साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। भाई आज अपन बात करेंगे दुबई यूएई से रिलेटेड, कुछ वहां के गवर्नमेंट ने कुछ सख्त नियम किए हैं वो आपको बताना ज़रूरी है, बाकी और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम बात करेंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इंक्वायरी यहाँ पर मिलती रहे। तो भाई अपन पहले बात कर लेते हैं कोरोना के क्या अपडेट हैं यूएई दुबई से रिलेटेड। तो भाई 12,000 के लगभग अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए संक्रमित, ठीक है, उसमें से डेथ लगभग 98 यानी 100 के करीब अभी तक डेथ हो चुकी हैं और 2300 पुलिस अभी तक रिकवर हो चुके हैं कोरोना से। तो ये तो है कोरोना के अपडेट। अब बात कर लेते हैं साथियों आगे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ से क्या मतलब लॉकडाउन को सख्ताई से पालन करवाने के लिए कुछ हार्ड नियम बनाए गए हैं, तो आपको जानकारी होना जरूरी है क्योंकि लॉकडाउन जहाँ ओपन होता है तो बाहर लोग बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं अगर चूक हो जाती है ना तो भाई आप 5 महीने तक फिर कमाते रहना, फिर जाके वो फाइन पूरा होगा। और गल्फ कंट्रीज जैसी हैं कि भाई जब आप देश छोड़ोगे तो वो ब्याज सही चुक लेंगे, अगर ब्याज सही नहीं चुकाओगे तो आप इंडिया वो दुबई छोड़ के नहीं आ सकते, समझ गए बात को। तो आपको इन बातों का पता है कि अगर आप आते टाइम भी एयरपोर्ट पे वो चूक लेते हैं पैसा, ब्याज सही दे के जा भाई फिर निकलना अपने देश के लिए। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ये वीडियो आप भी देखें, दूसरों को भी शेयर करें। पहली तो बेस्ट न्यूज़ आपको पता ही है साथियों, दुबई शेख ने वहाँ के जो राजा हैं उन्होंने 10 मिलियन फूड्स की जो स्कीम चला रखी है, लगभग के 15 से 20 हज़ार पैकेट उन लोगों को बांटे जाते हैं जो मतलब खाने की उनके पास प्रॉब्लम है या फिर अदर कंट्रियों के, लगभग इसमें अदर कंट्रियों के हैं भाई, वहाँ के लोगों को तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरे ही देशों के जिसमें यमनी सबसे ज़्यादा गरीब परिवार हैं, सुनने में आया था कि न्यूज़ में भी आया था कि 12-13 हज़ार लोगों को खाना पहुँचाया गया है और ये खाना वहाँ ज़्यादा जाता है जहाँ पे वर्कर्स ज़्यादा होते हैं। कंपनियों में मान लो कोई एरिया होते हैं ना जैसे, वहाँ पे टोटल वर्कर ही वर्कर रहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया या बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, तो वहाँ ये खाना पहुँचाया जाता है। अगर आपके पास भी ये नहीं पहुँच रहा है, आप इच्छुक हैं, तो भाई आप अपने हिसाब से वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं साथियों, कुछ लॉकडाउन सख्ती से पालन करवाने के लिए यूएई गवर्नमेंट ने कुछ सख्त नियम बनाए हैं। तो मैं बता दूँ भाई, एक अगर टैक्सी ड्राइवर ये वीडियो देख रहा है तो उनके लिए मैं बता दूँ, अगर आप 3 से ज़्यादा अपने टैक्सी में बिठाओगे तो भाई आपको पता है कितना जुर्माना है, 1,000 दुबई दराम आपको जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है साथियों। अगर आप बिना मास्क बाहर निकलते हैं और आपको सिक्योरिटी गार्ड्स या पुलिस की नज़र में आ गए, 1,000 दुबई दराम यानी आपकी 1 महीने की तनख्वाह, ये समझ लीजिए आप, ठीक है साथियों। बिना मास्क 1,000 आपको दराम देनी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग यानी फिजिकल दूरी अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो भी आपको 1,000 दराम चुकाना पड़ सकता है। मेन टॉपिक, मेन जुर्माना हाई रेंज का है, पब्लिक या प्राइवेट गैदरिंग अगर आप कर लेते हैं अपने स्तर पे तो 5,000 से 10,000 दुबई दराम आपका भाई हर्जाना आपको भरना पड़ सकता है। तो ये कुछ 3-4 जुर्माना से रिलेटेड थे, खास तौर से ये आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि बंदे बाहर निकलते हैं तो थोड़ा माइंड रहता नहीं, आपको पता भाई वहाँ तो पूरा CCTV है या फिर प्रशासन है, पुलिस है, तो ये जुर्माना भारी पड़ सकता है आपके लिए। आगे न्यूज़ निकल के आ रही है साथियों, आज की जो दुबई टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने घोषणा की है कि भाई जून या जुलाई तक लास्ट तक हम पूरा सिस्टम टूरिज्म का दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी क्योंकि टूरिज्म से यूएई गवर्नमेंट अरबों रुपए साल के कमाती है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू में नुकसान हो रहा है। अभी चल रहा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई यानी 2 महीने बाद जाके दोबारा से रिस्टार्ट टूरिज्म वाला सिस्टम हो सकता है वीज़ा से रिलेटेड। उम्मीद यही लग रहा है कि भाई 2 महीने तक कोई वीज़ा वगैरह या टूरिस्ट वाला काम नहीं चलेगा, वीज़ा वगैरह भी नए नहीं निकलेंगे। अब साथियों फ्लाइट्स की बात कर लें तो भाई देखिए गवर्नमेंट ने अंदरूनी स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऊपर वाले में जिसको बोलते हैं ना कि ऊपरी रिएक्शन नहीं आया अब तक कि कैसे क्या प्रोसेस रहेगा, वो अंदरूनी चल रहा है। आजकल या 30 अप्रैल से पहले पहले उसकी घोषणा करके फाइनली गवर्नमेंट अपने सिस्टम को पैचअप कर लेगी। गवर्नमेंट की तरफ से साथियों रिकवर करने के लिए फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एयर इंडिया की सबसे बड़ी भूमिका रहेगी, उनके ही फ्लाइट सबसे ज़्यादा विदेशों से जाके रिकवर करने की संभावनाएँ जताई जा रही हैं। आगे जो भी कोई इंक्वायरी होगी फ्लाइट से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। इससे पहले साथियों रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।